हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इंग्लैंड और जर्मनी का मैच की वीडियो हमने पहले ही आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन हम इस वीडियो में कवर करेंगे यूएफा नेशंस का सेकंड मैच, जो खेला जाएगा हंगरी और इटली के बीच में। और ये मैच ग्रैंड लीग के माध्यम से काफ़ी शानदार है, और मैं आपके लिए इस वीडियो में हर एक प्लेयर्स के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा कि किस प्लेयर को आज के मैच में ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाना है और कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि यार ये मैच इटली विन करेगी, लेकिन नहीं दोस्त, रुको, हंगरी भी कोई हल्की टीम नहीं है। और हंगरी के बारे में कुछ फैक्ट बताऊँगा आपके लिए, जो आप ग्रैंड लीग में जरूर उपयोग करोगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना। और इस मैच की 10 ग्रैंड लीग टीम आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो का टॉप के कमेंट और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्त, मैं आपके लिए बता दूँ, रिसेंटली आज 3 मैच हैं और इन 3 मैच की टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों टीम की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर नजर डालते हैं कि कौन सी टीम इस मैच में आज स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम विन कर सकती है। तो इस बात पर हम ज़्यादातर अपनी वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ओके, तो नज़र डालते हैं दोनों टीम की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर। तो गाइस, हंगरी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फिलहाल के टाइम पर 37th पोजीशन पर है और इटली फिलहाल के टाइम पर 7th पोजीशन पर है। तो गाइस, दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो फाइनल गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को अपने ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए हंगरी को एक फेवरेट टीम मान चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपने होम ग्राउंड में मैच खेलती है अधिकतर मैचेस विन कर लेती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं हंगरी को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन हम बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है इन दोनों टीम्स की ओर से। तो गाइस, इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 2 मैच खेले गए हैं, जिनमें हंगरी ने इस टीम के सामने 1 मैच विन किया है और 1 मैच किया है लॉस। अटैक से 2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहना का मतलब, जब भी दोनों टीम आपस में खेलती है अधिकतर चांस 50-50 देखने को मिलता है, मतलब दोनों टीम में से कोई भी टीम विन कर सकती है। लेकिन अधिकतर वही देखा गया है, जिस टीम का होम में मैच होता है वो अधिकतर टीम विन कर जाती है। यहाँ पर इटली का होम में था, इटली 2-1 से इस टीम के सामने विन कर गई, और यहाँ पर हंगरी का होम में था मैच और हंगरी इस मैच को 3-1 से विन कर गई। और आज किसका होम में? आज हंगरी का होम में। तो क्या आज हंगरी विन नहीं कर सकती? उस बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं इन दोनों टीमों जो रीसेंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग, कि किस तरह का परफॉर्मेंस रिसेंटली दोनों टीम्स का। तो गाइस, हंगरी ने रिसेंटली खेले 6 मैच, जिनमें से 4 मैच विन करें, सिर्फ 1 ड्रॉ खेला और 1 मैच किया है लॉस। अटैक से 1.5 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 0.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो यहां से पता चलता है कि इस टीम का रिसेंटली परफॉर्मेंस काफी शानदार है, मैच को विन भी कर रही है, मैच को ड्रॉ भी खेला है, सिर्फ 1 ही मैच लॉस किया है और अटैक से 1.5, मतलब ये टीम कम से कम प्रत्येक मैच में 1 और कभी कभी तो 2 या उससे भी अधिक गोल स्कोर कर देती है। लेकिन डिफेंस काफी मजबूत है, पर 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कंसीड करती है, वो भी एक बेहतर टीम के सामने। हल्की टीम के सामने तो मैच में गोल तक कंसीड नहीं करती और आराम से मैच को विन कर जाती है। तो रिसेंटली परफॉर्मेंस हंगरी का काफी शानदार है, अटैक भी डिफेंस भी। अब बात करें जो पिछला मैच हंगरी जर्मनी के सामने 1-0 से मैच को विन कर गई, और जर्मनी कोई हल्की टीम नहीं है, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग की टॉप 10 की टीम है। और उस टीम के सामने जब ये टीम 1-0 से मैच को विन कर सकती है, क्या इटली के सामने विन नहीं कर सकती अपना होम में? ये देखने वाली बात रही है। फिर इंग्लैंड के सामने, इंग्लैंड के होम ग्राउंड में ये टीम 4-0 से विन कर गई, अटैक से 4 गोल स्कोर के, लेकिन इंग्लैंड को 1 गोल तक करने नहीं दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि इस टीम का रिसेंटली अटैक भी काफ़ी मजबूत है और डिफेंस तो है ही मजबूत। और उससे मुकाबले फिर जर्मनी के सामने टीम अटैकिंग मैच को ड्रॉ करी, और उससे भी मुकाबले इटली के सामने टीम उसी के होम में 2-1 से लॉस कर गई, लेकिन वहाँ पर भी इस टीम ने 1 गोल स्कोर किया। और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने खेले, एक नॉर्दर्न आयरलैंड और एक इंग्लैंड के सामने, और दोनों मैच इस टीम ने अपने होम में खेले। कहीं ना कहीं इंग्लैंड के सामने तो होम में खेला और 1-0 से विन किया, और नॉर्दर्न आयरलैंड के सामने इसने अवे में खेला और मैच को विन किया। तो यहां से पता चलता है कि इस टीम का रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है, अटैक भी और डिफेंस भी। अब 2 मैच छोड़ दो आप, जिनमें इस टीम ने 1 ड्रॉ खेला 1 लॉस किया, बाकी 4 मैच ऐसे खेले इस टीम ने जो काफी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने मैच खेले हैं और मैच को विन भी किया है, लेकिन डिफेंस से गोल तक कंसीड नहीं किया। तो क्या लगता है यहाँ से कि डिफेंस इसका काफी शानदार है रिसेंटली, और होम में तो हंगरी का परफॉर्मेंस क्लास ही रहता है। अब बात आती है इटली के जो करंट फॉर्म, उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस, इटली ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से इस टीम ने सिर्फ 2 मैच विन करें, 2 मैच ड्रॉ करें और 2 ही मैच लॉस किए हैं। अटैक से 1 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1.7 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो अटैक थोड़ा सा एवरेज है, लेकिन डिफेंस थोड़ा सा मुझे डाउन देखने को मिलता है कि 1.7 काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये टीम फिलहाल टाइम पर मैच को विन भी कर रही है, ड्रॉ भी खेल रही है, लॉस भी कर रही है, मतलब इस टीम का फिलहाल टाइम परफॉर्मेंस एवरेज से लग रहा है। अब बात करें जो पिछला मैच इंग्लैंड के सामने टीम जरूर विन कर गई, लेकिन वो इस टीम ने अपना होम में खेला था मैच, और इंग्लैंड के सामने इटली का परफॉर्मेंस ऐसा ही देखने को मिलता है, काफ़ी लॉस स्कोरिंग। फिर जर्मनी के सामने टीम 5-2 से लॉस कर गई, मतलब 5 गोल स्कोर कंसीड कर 2 गोल स्कोर किए। और फिर इटली के सामने इंग्लैंड डिफेंसिव ड्रॉ खेली, और हंगरी के सामने टीम 2-1 से मैच को विन कर गई, वो मैच
इस टीम ने अपने होम में खेला था, लेकिन जर्मनी के सामने 1-0 से वन वन से ड्रॉ खेली और अर्जेंटीना के सामने टीम 3-0 से लॉस कर गई। तो परफॉर्मेंस रिसेंटली देखा जाए तो इटली एक अटैकिंग वाइज एवरेज टीम है और डिफेंस थोड़ा सा इसका डाउन ही देखने को मिलता है। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर नजर डाली, लेकिन हमने हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर ले कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइज हंगरी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार एक थोड़ी सी हल्की टीम है एज कम्पेयर टू इटली। इटली की पोजीशन काफी सेफ है, ओके। और हेड टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों टीमें जब भी अपने होम में मैच खेलती हैं वो टीम मैच को विन कर लेती है अधिकतर, मतलब दो मैच खेले गए और दोनों में यही देखा गया। तो आज मैच होम में है हंगरी का, तो एडवांटेज है इस टीम का। रिसेंटली अगर देखा जाए दोनों टीमों जो परफॉर्मेंस, हंगरी का अटैक भी और डिफेंस भी काफ़ी शानदार है, और इटली का जो परफॉर्मेंस है अटैक थोड़ा सा डाउन है लेकिन डिफेंस काफ़ी गंदा है, ये टीम गोल कंसीड कहीं ना कहीं कर देती है। तो तीनों फॉर्मेट में आपको दोनों टीमें इस मैच में 50-50 देखने को मिलेंगी। तो फाइनल गाइस अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच हंगरी 1-0 से विन करेगी। अब आप मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्यों गाइस इसने रिसेंटली दो टीम को ऐसी को हराया है जो अपने से बेहतर टीम थी, इंग्लैंड और जर्मनी, और जब उन दो टीम के सामने ये टीम गोल तक कंसीड नहीं की तो क्या आज इटली के सामने गोल कंसीड करेगी, मुझे लगता नहीं। तो इसीलिए मैं अपना इस मैच के स्कोरलाइन प्रेडिक्शन रखता हूँ 1-0, और 1-0 को प्रेडिक्शन के अनुसार मैं अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करूँगा ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात करेंगे ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में। तो गाइस आपको ये लग रहा है कि हंगरी इस मैच विन करेगी, एक ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन 1-0, फिर आपको 2-0 ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन, फिर एक मैच डिफेंस ड्रॉ, ये इस तरह की आपको टीम बनाने ग्रैंड लीग में। अब किस किस प्लेयर को कैप्टन बनाना है उस कंडीशन में वो मैं आपके लिए आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा, ओके। फिर आप 10 टीम बनाओ कम से कम हंगरी के फेवर में, और 5 टीम आप बनाओ इंग्लैंड के फेवर, मतलब इटली के फेवर में, और 5 टीम बोथ टीम टू स्कोर, मतलब दोनों तरफ से गोल हो सकते हैं इस मैच को, या मैच ड्रॉ जाएगा या 2-1 से इटली विन करेगी, मतलब हंगरी विन करेगी, या यह मैच दोनों टीमों की तरफ से बराबर रहेगा। तो उस तरह का कंडीशन बनाने में, और यही कॉम्बिनेशन के अनुसार मैं अपनी टीम दूंगा आपको ग्रैंड लीग के टेलीग्राम चैनल पर, सिर्फ ये कॉम्बिनेशन के अनुसार। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में जरूर आई होगी जो मैंने आपके लिए बताया डिटेल्स में, ओके। तो अब बात करते हैं इन दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं। तो हम सब उस पर नजर डालते हैं हंगरी के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे इटली के जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सब उस पर नजर डालते हैं हंगरी के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त मैं आपके लिए फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हर रोज इस यूट्यूब चैनल पर लाता रहूंगा, और 10 ग्रैंड लीग टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुद्दे की प्लेयर वाइज की, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं हंगरी के टीम के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस हंगरी की टीम की तरफ से फिलहाल टाइम जो हाईएस्ट गोल टेकर यहाँ से है नागी, इस टीम की तरफ से नेशंस लीग में 2 गोल कर चुका। फिर यहाँ से रोलांड सलाई है जो कि 2 गोल कर चुका, डोमिनिक जिसने 1 गोल किया लेकिन वो गोल इसने पेनल्टी में किया, और एक टीम में कैप्टन जरूर बनाना है ग्रैंड लीग में डोमिनिक को, कॉम्बिनेशन 1-0, ओके। फिर यहाँ से एडम सजालाई जो कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैचेस में भी इसका परफॉर्मेंस रिसेंटली काफी शानदार रहा। फिर यहाँ से डेनियल है जो कि इस टीम की तरफ से 1 गोल कर चुका। मुझे जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर लगे एडम है और यहाँ से डोमिनिक है, इन दो प्लेयर्स को हम पिक करके चलेंगे। बाकी 2 प्लेयर्स ये भी हैं वो बाकी हम अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे वो ग्रैंड लीग में, ओके। तो अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने इन प्लेयर्स के लिए असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट मामले अगर देखा जाए मार्टिन एडम 2 असिस्ट, डोमिनिक 1 गोल 1 असिस्ट, एडम लैंग 1 असिस्ट, एडम नागी 1 असिस्ट। अब यहाँ से ये तीनों प्लेयर इंपॉर्टेंट, ये चारों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको 3 प्लेयर तो दिखेंगे डिफेंडर में, तो इन डिफेंडर को तो हम पिक करके चलेंगे क्योंकि इटली के मुझे लगता है कि हमें सिर्फ एक डिफेंडर की जरूरत पड़ेगी। मैं थोड़ा गलत हो भी सकता हूँ लेकिन आज हंगरी को फेवरेट किया हूँ, ओके, वीडियो का एनालिसिस के अनुसार। अब बात आती है जो सेकंड टीम है इटली, उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं इटली के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस इटली की तरफ से फिलहाल टाइम नेशंस लीग में हाईएस्ट गोल टेकर लोरेंजो पेलेग्रिनी, इस टीम की तरफ से ये भी काफ़ी शानदार प्लेयर है। फिर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा नॉन टॉप जिसने 1 गोल किया, निकोला बरेला जो कि ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है। और आपके लिए मैं बता दूं जब कोई गोल असिस्ट नहीं करता ना तब इसका नंबर आता है और ये वन साइड विन कराता है, और अधिकतर मेरी टीम में जब भी रहता है ये विन ही करा के जाता है, मैं काफ़ी विन किया हूँ इससे, ओके। बाकी यहाँ 2 प्लेयर्स और हैं, रास पडोरी जो कि प्रीवियस मैच में 1 गोल किया था, फिर यहाँ से बास्टोनी जो कि हेडर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है आज के मैच में लोरेंजो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल पोटेंशियल तो है ही, प्लस डिफेंसिव पॉइंट भी अच्छा खासा निकाल लेता है, अगर गोल नहीं भी करेगा तो हमें डिफेंसिव पॉइंट दे जाएगा, तो इस कंडीशन में इंपॉर्टेंट प्लेयर है। विलफ्रेड खेलने का चांस थोड़े से डाउन है तो ड्रॉप करेंगे। निकोला बरेला एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, डिफेंसिव वर्क भी कर लेता, असिस्ट और गोल पोटेंशियल हाई रखता है। फिर यहाँ से रास्पडोरी ज्यादा असिस्ट नहीं करूंगा, बास्टोनी है, बास्टोनी को हम टीम में ट्राई करके चल सकते हैं लेकिन लाइनअप के अकॉर्डिंग, ओके। अब बात आती है इस टीम तरफ कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर। तो गाइस असिस्ट मामले अगर देखा जाए तो लियांड्रो बानुशी है, प्रीवियस मैच में ही 1 असिस्ट निकाला था। मैं आपके लिए बता दूं ये प्लेयर काफ़ी
एक्सपीरियंस रखता है और डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा कर लेता है, लेकिन इतना डिफेंसिव पॉइंट नहीं देता। फिर यहाँ से फेडरिको है जो कि इस टीम तरफ से एक गोल कर असिस्ट निकाल चुका, मैटियो है एक असिस्ट निकाल चुका, लियांड्रो स्पिनाजोला जो कि एक असिस्ट निकाल चुका है। तो मैं यहाँ से सिर्फ अगर एक प्लेयर को सजेस्ट करूँगा वो आपको बानुसी को पिक करूँगा, इन्हीं को ट्राई करके चल सकते हो डिफेंडर सेक्शन से। ओके, तो अब बात आती है इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन। मैंने काफ़ी लो स्कोरिंग रखा है 1-0, और 1-0 का प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारी शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर। तो सीधे नजर डालते हैं इस मैच के ड्रीम इलेवन की टीम पर, और अब इस वीडियो को सेकंड बेस्ट पार्ट भी शुरू हो जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें गोलकीपर सेक्शन से, मैं आपके लिए एक चीज़ बता दूं कि मैंने आज के मैच में एक फेवरेट टीम मान के चला हूं हंगरी को, और हंगरी का मैं अपनी टीम में 7 प्लेयर पिक करूंगा और इटली का 4 प्लेयर पिक करूंगा, और 7-4 का कॉम्बिनेशन के अनुसार इस मैच में हम अपनी कंप्लीट टीम बनाएंगे 11 प्लेयर्स के साथ विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। मैं आपको वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा, बस आप ध्यान से देखें। ओके, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इटली को फेवर ना करें, आप कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, रिसेंटली इंग्लैंड से विन करके आ रही, डिफेंस भी अच्छा था अटैक भी अच्छा था, लेकिन होम का एडवांटेज हंगरी के पास है तो इसलिए हंगरी फेवर। ओके, तो आपके सामने दोनों रूमा है गोलकीपर सेक्शन में और यहाँ से गुलाक्षी है, इनको दोनों में किसी को भी पिक कर सकते हो, क्योंकि जिस प्लेयर को पिक करना ना आप ये सोचना कि उस टीम को फेवर करना, सीधी बात है, क्योंकि दोनों टीमों के जो गोलकीपर है इस मैच में बराबर का टेस्ट हो सकते हैं। मैं आई थिंक गुलाक्षी के साथ जाना पसंद करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं हंगरी को फेवर करके चला हूं और दोनों टीमों के गोलकीपर बराबर का टेस्ट होंगे, दोनों टीमों का अटैक और डिफेंस बराबर का है। ओके, तो इसलिए गुलाक्षी। बात करें डिफेंडर सेक्शन में, अधिक से अधिक प्लेयर मैं आपके लिए फिर बता दूं हंगरी का पिक करूंगा। आपके सामने सिलेक्शन सबसे ज्यादा इटली के प्लेयर्स का रहेगा, लेकिन सिलेक्शन पर मैं ध्यान बिल्कुल नहीं दूंगा। तो यहाँ से विल ऑर्बान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एडम शजलाई जो कि एक गोल कर चुका है, असिस्ट भी निकाल चुका है, तो दोनों प्लेयर को मैं अपने लिए सजेस्ट करना वाला हूँ, आपके लिए भी और अपने लिए भी। ओके, फिर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ से फियोला खेलेगा तो फियोला को पिक करेंगे, और लुइस नेगो खेलेगा तो इनको भी पिक करेंगे। तो अभी के लिए मेरे सामने 4 प्लेयर हो चुके हैं हंगरी की तरफ से। अब आपके सामने एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है इटली की तरफ से, आप पिक कर सकते हो। देखो डिमार्को, बास्टोनी, अशरबी और यहाँ से बानुसी, ये खेलेंगे, जरूर खेलेंगे, लेकिन मैं यहाँ से सजेस्ट करूँगा जी डी लोरेंजो जो कि असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता है, डिफेंसिव वर्क भी काफ़ी अच्छा कर लेता है, गोल पोटेंशियल भी हाई है, तो इसीलिए मैं जी डी लोरेंजो के साथ जाना पसंद करूँगा। बाकी यहाँ पर जितने और डिफेंडर दिख रहे हैं मैं इनको आपके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि इनका खेलने का चांस ही बहुत कम है, तो इसलिए मैं इन सबको ड्रॉप करूँगा। इमर्सन अगर खेलेगा तो डिफेंसिव वर्क अच्छा कर लेता, लेकिन ये कभी कभी 90 मिनट नहीं खेलता, और 90 मिनट जो इस मैच में खेलेगा नहीं पीरियड, उसका कोई वैल्यू नहीं है हमारी टीम में, क्यों मैं आपके लिए बता दूँ, क्योंकि दोनों टीमों का डिफेंस मजबूत है और जल्दी से दोनों टीमें एक दूसरे के सामने गोल कंसीड नहीं करेंगे। ओके, तो इसलिए बात करें मिडफील्ड सेक्शन में, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी डोमिनिक। इस टीम तरफ से डोमिनिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेनल्टी लेगा, और पेनल्टी में एक कॉम्बिनेशन जरूर बनाना, कैप्टन इनको सीधा बनाना। ओके, निकोला बरेला है जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैंने आप बताया कि जब कोई कुछ नहीं करता तब ये सब कुछ करता है। फिर यहां से नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिस्टियन, मतलब टेंट, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, क्यों, क्योंकि यार ये बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट अच्छा देता, कितना पॉइंट, 20 से 25 के बीच में, कभी कभी 30 तक दे जाता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट। यहाँ से हम 3 प्लेयर को अभी के लिए पिक करके चले हैं। फिर यहाँ से सकेफर है और यहाँ से गाज बैग है, इनको मैं अभी के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा, दोनों प्लेयर हैं जो कि डिफेंसिव वर्क करते हैं। ओके, फिर यहाँ से नेगी है जो कि 2 गोल कर चुका है इस टीम के लिए। फिर यहाँ से जॉर्जिनो जो बिना गोल के कम से कम 20 प्लस पॉइंट देने की क्षमता रखता है, आप समोल लीग से नहीं ग्रांड लीग से कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, और ये पेनल्टी ले सकता है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी पेनल्टी नहीं, पेनल्टी टेकर प्लेयर है। ओके, फिर यहाँ से गोल मतलब नॉन्टो है जो कि 1 गोल कर चुका है इस टीम तरफ से, आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ से टोनाली है, इनको मैं भी सजेस्ट नहीं करूँगा, डिफेंसिव वर्क करता है। बाकी जितने और नीचे प्लेयर्स हैं ये खेलेंगे नहीं, इनको हम ड्रॉप करेंगे। ओके, तो बात करें सेंटर फॉरवर्ड, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी कीरो इमोबाइल, खेलने का चांस तो बहुत डम है, लेकिन खेलेगा तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, उस कंडीशन में शायद इसका गोल असिस्ट आ जाए, क्या पता मतलब इटली का अटैक थोड़ा सा मजबूत बन जाए। लेकिन सजालाई एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है हंगरी की तरफ से, क्योंकि गोल करने का चांस पूरा रखता है। एडम को पिक कर सकते, राज पडोरी जो कि रिसेंटली इस टीम के लिए 1 गोल कर चुका है। फिर यहाँ से सका माका, ये भी अच्छा प्लेयर है। अब इनमें से सिर्फ एक को पिक करूंगा मैं, एडम सजालाई, और यहाँ से मैं अभी के लिए पिक करके चलेंगे प्रीवियस मैच के लाइनअप को देखते हुए राज पडोरी। ओके, लेकिन शाका माका भी अच्छा प्लेयर है, आप पिक कर सकते हो। तो मेरी टीम में कैप्टनसी की बात की जाए तो आई थिंक मुझे डिफेंडर में कैप्टन देना आज सही रहेगा, क्योंकि मैं एक लो स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर चला हूँ, तो मैं भी इसलिए कैप्टनसी डोमिनिक को देना पसंद करता हूँ, क्यों, क्योंकि पेनल्टी लेगा, असिस्ट पोटेंशियल हाई है, गोल पोटेंशियल हाई है, प्लस डिफेंसिव वर्क भी अच्छा कर लेता है, तो इसलिए कैप्टन ये, और वाइस कैप्टन विल ऑर्बान को पिक कर चला हूँ। ये मेरी टीम का प्रीव्यू है, याद रहे ये वीडियो का आधार पर टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी लाइनअप के बाद वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक टॉप के कमेंट वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं हंगरी को फेवर करके गया हूँ सिर्फ और सिर्फ होम ग्राउंड की वजह से, क्योंकि ये मैच हंगरी अपने देश में खेलेगी तो अपने देश में जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, तो इसीलिए तो थोड़ा सा एडवांटेज है, फैंस का भी एडवांटेज रहेगा और टीम मैनेजमेंट का रहेगा, और यहाँ से जो इटली टीम है वो एक अवे टीम रहेगी इस मैच में, और फुटबॉल में होम और अवे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये
फैक्ट हो जाता है मैच, मतलब टीम को फेवर करने का। अब मैं बिल्कुल आपको नहीं कहूँगा, देखो अगर आप हंगरी को मतलब इटली को फेवर करना तो जी डी लोरेंजो को कैप्टन जरूर बनाना, ओके। फिर एक नेक्स्ट प्लेयर है असरबी, उनको भी बना लेना क्योंकि प्लेयर अच्छे हैं वो, उनका डिफेंसिव वर्क भी अच्छा, गोल असिस्ट कभी कभी आ जाता है। जैसे कल आपने देखा होगा वांडिज ने गोल किया था इसकी तरफ से, आई थिंक मेरी याद है नीदरलैंड की तरफ से, आई थिंक हाँ नीदरलैंड की तरफ से उसने गोल किया था हेडर में। इस तरह का गोल हेडर में गोल आ सकते हैं हम प्लेयर्स के। तो अभी के लिए उर्बान का सब ज़्यादा हेडर का स्ट्रॉन्ग चांस रहते हैं, तो इसलिए मैं वाइस कैप्टन बना गया। तो ये वीडियो अभी के लिए है, लेकिन जो इस मैच की ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय दोस्तों।